उज्जवल भारत न्यूज क्राइम स्पेशल रिपोर्ट पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महिसागर में कुछ दिन पहले एक लड़की की लाश बरामद हुई थी। इस प्रकार से पानी में तैरते हुए जो घटना घटी थी, कुछ दिन पहले कहा जा रहा है कि लड़की को मेले के दौरान मार दिया गया था और उसे इस प्रकार के लाश में बरामद किया गया है। इस प्रकार के किसी एक पोटली में भर के पानी में वो उभर कर आया है। आइए बात करते हैं हमारे ब्यूरो रिपोर्ट विक्रम सिंह झाला से। जो घटना घटी है, मेले के अंदर एक लड़की की लाश बरामद हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कि इसमें जो महिसागर के लोनावाड़ा के खानपुर के पास में कारंटा करके गांव है, वहाँ एक चंद्रिका बेन परमार नाम की लड़की मेले में गई हुई थी जी। और उसकी लाश कोठे में पैक हुई लाश मिली थी जी। उसकी लाश मिलने के बाद पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी, तो परिवार जनों से उसने लाश लेने के मना किया था जी। जी, ये कब हुआ था, ये घटना कब घटी थी? और ये लगभग 10 दिन पहले हुई थी, 18 मार्च को ऐसे कुछ हुई थी। अच्छा। तो सब लोगों ने इकट्ठा करके किया था और कल ही उसका कुछ सॉल्यूशन आया हुआ है। वो कल्पेश परमार जो है सोशल वर्कर, उसने कुछ मसला सोल्व किया है जी। क्या लग रहा है आपको विक्रम जी, कि ये घटना किस मोड़ तक जाएगी और क्यों उसे मारा गया, लड़की को क्यों मारा गया था? इन लड़की को कोई कदर कोई रही कि अभी पुलिस जांच में मालूम पड़ेगा कि क्या आया, रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट आया तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन 18 साल की लड़की है तो कोई या रेप केस में या ऐसा कुछ हो सकता है जी। जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए विक्रम जी। थैंक यू, आभार जी, नमस्कार। सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि महिसागर में कुछ दिन पहले एक मेले में एक लड़की को मारा गया और उसके साथ कुछ ऐसा लग रहा है कि अनैतिक कृत्य भी किया गया है जो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन उस लड़की को जिंदा रहते हुए उसको सिर पे चोट लगाकर उसे पानी में बहा दिया गया, किसी एक कपड़े के अंदर बांध कर उसे पानी में बहा दिया गया। तब तक भी वो लड़की जीवित थी। उसके बाद फिर जब 3 दिन के बाद उसकी लाश जब पानी में उभर कर आया, तब उसे गांव वालों ने उस लड़की की लाश को देखकर हंगामा मचा दिया और उन्होंने ये पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने ये अपील की कि इसके लिए एफआईआर होना ज़रूरी है और केस दर्ज होना चाहिए। पीएम रिपोर्ट में ये बताया गया कि जब उसे पोटली में भरा गया था किसी सहारे, देखी तब उसे सिर पे चोट लगी, तभी वो लड़की जीवित थी। पानी में बहाने के बाद उसके बाद वो लड़की की मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार के हमारे गुजरात जैसे राज्य में जो एक शांति का प्रतीक वाला राज्य माना जाता है, वहाँ पर लड़कियाँ देर रात तक काम करती, देर रात तक अपने घर पर आती है, सुरक्षित होकर आती है। लेकिन कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि इस प्रकार के वारदात, इस प्रकार के अनैतिक घटनाओं का औरतों को सामना करना पड़ता है, औरतों को जूझना पड़ता है। आइए हम बात करते हैं महिसागर जिले के ही एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम है कल्पेश परमार जी, जिन्होंने इस महिसागर के इस बेटी के केस को लेकर जिसकी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई है, या यूं कहिए तो इसको किसी ने मार दिया गया है, तो इसी केस को लेकर कल्पेश जी ने गांव वालों से भी बात की है। आइए सुनते हैं कि कल्पेश परमार जी इस बेटी के इस केस को लेकर वे क्या कहते हैं। अत्यारे गुजरात में तथा समग्र भारत नी अंदर 14 एप्रिल उजवा माटे अनुसूचित जाति जनजाति तैयारी करी रही छे, नानी नानी रेली करवा माटे, सभा करवा माटे। परंतु एक बात हूँ ध्यान लावा मागू छू कि महिसागर खानपुर में चंद्रिकाबेन परमार नामनी 18-19 वर्षीय युवती ने मेड़ा में गई थी, त्यांथी कोईपण रीते छोकरी त्यांथी खोवाई का तो कोई बनाव बन्यो। 18 तारीख की आ घटना पछी 21 तारीखे कोथड़ा माथी ते बेन नी लाश मड़ी छे अने आजे 9 दिवस थई गया छे, परंतु जे पण आरोपी छे अपराधी छे ते पकड़ायेला नथी। બેનની બોડી પણ અત્યારે હાલમાં એ જ પરિસ્થિતિમાં કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રાખવામાં આવેલી છે। હું તમામ જાતિના ખાસ કરીને અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિને પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું કે શું આપણે ફક્ત 14 એપ્રિલ મનાવવાની છે ધામધૂમથી, કે આપણા બેન દીકરીને અન્યાય સામે એકઠા થવાની જરૂર પણ છે? તાત્કાલિક ધોરણે આના ઉપર કાર્યવાહી કરવા માટે ઘણીવાર દબાણ બનાવવું પડે તો પણ આગળનો કાર્યક્રમ તમને મેસેજ થી વિડીયો થી આપવામાં આવશે, પરંતુ આ પરિસ્થિતિમાં હરેક સમાજ જોડે ઉભો રહે તથા ચંદ્રિકાબેન ને ન્યાય અપાવવા માટે આગળની લડતમાં જોડાય, તે સાથે જય ભીમ, જય ભીમ। નમસ્કાર કલ્પેશજી, આપકા બહોત સ્વાગત હે હમારે ઇસ ઉજ્જવલ ભારત ન્યૂઝ ચેનલ પર।
कल्पेश जी, क्या घटना हुई थी, किस प्रकार से मेले में एक लड़की की मौत हो जाती है, क्या हुआ था, पूरा वारदात क्या था, जरा खुलासा कीजिए। जी, ये गुजरात में महिसागर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे नाना खानपुर करके जगह है, वहाँ पे 18 तारीख को उर्स का मेला लगता था। वहाँ पे 19 साल की लड़की है जिनका नाम है चंद्रिका बेन परमार, वो फैमिली के साथ वहाँ पे मेले में घूमने गए थे। वहाँ पे लाइट चली गई थी मेले के दरमियान और कुछ वावाजोड़ा जैसा हुआ था, सो थोड़ी भाग दौड़ मच गई थी और जो लड़की थी उसके भाई के साथ वहाँ पे थोड़े डिस्टेंस तक आगे गई और वहाँ पे थोड़ी कुछ शॉप थी वहाँ पे वो बैठे। फिर वहाँ पे उनको थोड़ी देर के बाद उन लोगों की फैमिली ने ढूंढा पर वो मिले नहीं। फिर उन लोगों ने जो पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी, इंफॉर्मेशन दी कि ये जो गुम हो गए है, उसके बाद एक दिन तक उन लोगों ने ढूंढा वहाँ पे, फिर कुछ मिले नहीं उनको। फिर सामाजिक एक्टिविस्ट है, उनके परिवार जनों है, सब लोगों ने ढूंढा पर कुछ नहीं हुआ। फिर फाइनली 18 तारीख को लड़की गुम हुई थी, फिर 21 तारीख को उनकी डेड बॉडी पानी में से जो कोथला आता है ना पॉलिथीन में पैक करके वहां से तैर रही थी, उन लोगों ने निकाला। फिर जो डिमांड थी उनकी परिवार जनों की सबकी की जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, किसी को यानी थैले में बंद करके मार देना, ये कहाँ का कैसे हो सकता है ये सब। फिर फैमिली ने ये डिमांड रखी थी कि जो भी आरोपी है उनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द। फिर 21 तारीख को उनकी बॉडी मिली, यानी कल तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया था, एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है और 10 दिन तक उनकी जो बॉडी है उनको कोल्ड स्टोरेज वडोदरा में रखा गया था मैडम। फिर यहाँ पे हम गए थे, हमारी मैं जनता सेना का प्रेसिडेंट हूँ और हमारी टीम वहाँ पे गई थी और वहाँ पे और भी सोशल एक्टिविस्ट सब थे वहाँ पे। फिर DYSP SP उनसे भी हमारी बात हुई है, तो उनका यह कहना था कि कुछ हुआ उसमें यहाँ पे हेड इंजरी हुई तब वो सबकॉन्शियस में चली गई थी। फिर उनको है ना थैले, तब तक वो लड़की जिंदा थी, तब उसके बाद उनको थैले में बांध के, हाँ तब तक वो लड़की जिंदा थी, तब उनको थैले में पैक करके यानी बांध दिया फिर पानी में डाल दिया, यानी तब पहले यहाँ पे लगा तब वो लड़की मर नहीं गई थी पर पानी में डाल दिया उसके बाद ये सब घटना हुई है। अकॉर्डिंग टू पीएम नोट्स कल्पेश जी, आपको क्या लग रहा है कि इसके साथ और भी कोई कुछ अनैतिक घटना घटी होगी? जी, मुझे ऐसा लग रहा है, बट जो पुलिस प्रशासन थे उनसे हमने बात की है ये विषय में, पर फिलहाल तो पीएम रिपोर्ट आए उसके बेस पे 100% हम कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने बोला है कि वेट कीजिए, FSL रिपोर्ट का वेट करना पड़ेगा। आप इसके बारे में और क्या कहना चाहते हो कि इस प्रकार की जो घटनाएं वारदात हमारे गुजरात में, जो एक शांति का प्रतीक माना जाता है गुजरात राज्य, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आए दिन हमें ऐसी दुर्घटना, ऐसी घटनाएं, जो अनैतिक घटनाएं देखने को मिल रही है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन को यह कहना चाहूंगा, उन्होंने वाकई में अच्छा काम किया, मैं मानता हूं उनको, पर इतना ड्यूरेशन यानी 18 तारीख को लड़की गुम हुई है, 21 तारीख को उनकी बॉडी नदी में से तैरती हुई थैले में मिल रही है, उसके बावजूद भी 10-10 दिन लग जाते हैं एक्यूज्ड वो आरोपी को पकड़ने में, तो कहीं ना कहीं फेलियर है। उनको अच्छे से जल्द उनकी बॉडी को, जो आरोपी है उनको पकड़ना चाहिए था। और रही बात ये जो घटना बन रही है, तो मैं समझता हूँ कि गुजरात में खास करके महिला जो है, जो चाइल्ड है, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की जरूरत है, क्योंकि हो क्या रहा है, कोई भी आरोपी अभी पकड़ा गया उनको कोर्ट में ले जाएगी टाइम लगेगा, 1-2 साल फॉर एग्जाम्पल, हमें अन्य स्टेट में सब मालूम है, तो 2-1 साल इतना टाइम नहीं होना चाहिए सेंसिटिव टॉपिक में, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए ताकि पब्लिक को, फैमिली को न्याय मिले, मेरा ये मानना है। और अभी भी अन्य आरोपी जो है वो अभी नहीं पकड़ा गया है, तो उनके लिए भी हमारी डिमांड है, यहाँ पे होम मिनिस्टर CM को भी हम मिलेंगे ये विषय में, उनको आवेदन पत्र भी देंगे कि हो सके उतना जल्द से जल्द इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्यवाही करके उनको सजा दी जाए। कितने आरोपी कुल थे इस वारदात के लिए? जी, पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ कन्फर्म आंकड़ा नहीं बताया गया है, लेकिन जो घटना घटी है उसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि तकरीबन 4-5 होने चाहिए, क्योंकि थैले में पैक किया था उन, सॉरी प्लीज कंटिन्यू, आप कंटिन्यू कीजिए। जी,
क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कुछ घटना बनी, वहां पे लड़की को हेड इंजरी आई, वहां पे वो उनकी डेथ नहीं हुई थी अकॉर्डिंग टू पीएम नोट। तो थैले में बंद करके वहां से डिस्टेंस में ले जाके नदी में फेंकना, यानी कोई एक व्यक्ति का ये काम नहीं है। एसपी साहब से ऐसे हमारी बात हुई थी। कल्पना जी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये घटना मेले के दरमियान हुई है, तो कहीं ना कहीं मेले में जो घटना घटी है वहां पर इस प्रकार से हम लोग घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से वावाजोड़ आया है जैसे आप कह रहे हो, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी भी कम से कम होगी। इस प्रकार से किसी लड़की को लेके जाना, उसे उठा लेना, उसके बाद अनैतिक उसके साथ कुछ फिर करने, उसके बाद उसे मार देना, थैले में पैक करना, ये सब पब्लिकली होता है, तो इसके बारे में मेले में भी एक हाई सिक्योरिटी होना जरूरी है या नहीं, क्या कहते हो? मतलब मेले का जो ऑर्गेनाइजर है उसे भी बहुत सोच समझ के लोगों को रखना चाहिए, आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं? जी, इस बारे में हमारी एसपी से कल ही बात हुई थी, यानी हमने जो मेले की परमिशन किसने दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सोशल एक्टिविटीज करते हैं, अगर छोटी सी रैली करनी होती है तो हम पुलिस प्रशासन से परमिशन लेते हैं, वहाँ पे मेले जो परमिशन ली थी, जो सरपंच होता है कि जो ऑथराइज पर्सन है, उन लोगों ने परमिशन लेटर हमको दिखाया नहीं। कल हमने मांगा था तो उन्होंने बोला कि संडे है, दैट्स वाई वो राइट नाउ अवेलेबल नहीं हो पाएगा। हमने बोला ठीक है कल हमें बताओ, लेकिन उसके लिए भी लेट हुआ था। फिर जो LRD जो पुलिस कांस्टेबल या यहाँ पे बोले जाते हैं इसे, वो रखे थे उन लोगों ने 16 के जैसे थे, पर इतने काफी नहीं है। दूसरी बात कि ऐसे मेले इतनी बड़ी संख्या में लोग होते हैं तो प्रशासन की जवाबदारी बनती है कि अगर लाइट चली गई ऐसे टाइम पे तो क्या ऑन द स्पॉट किया जा सके ताकि ऐसी घटना को रोका जा सके। इस घटना के बारे में आप अतिरिक्त और क्या कहना चाहते हैं कि हमारे राज्य की महिलाएं आज असुरक्षित महसूस करती, जबकि गुजरात राज्य एक ऐसा यूनिक राज्य था हमारे देश भर में कि रात को 2-2 बजे भी जब हम गरबा खेल कर रहे थे ना तो भी हमें कोई डर लगता नहीं था, लेकिन आज दिन ऐसे आ गए हैं कि आज आए दिन हमें इस प्रकार की घटनाएं वारदात हमें सुनने को मिल रहे हैं, तो इस प्रकार से आप इस वारदात के बाद आप गुजरात राज्य को, गुजरात सरकार को, प्रशासन को क्या कहना चाहते हो आप अपनी तरीके से? जी, गुजरात प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ। वैसे देखने जाए तो यहाँ पे गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर जैसे मेगा सिटी जो है वहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं है, पर जो गांव है वहाँ पे आज भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। फॉर एग्जांपल बीच में राजकोट या सौराष्ट्र का कुछ वीडियो था, वहाँ पे एक लड़की ऐसे शाम के टाइम पे जा रही थी, 2-3 लोगों ने उनको घसीट के वहाँ पे लेके गए, हालांकि लड़की बच के वापस आ गई थी। तो जो बेसिक फैसिलिटी, जो स्ट्रीट लाइट होती है, अलग अलग जगह पे कैमरे रखने चाहिए, ये सब बातें अभी भी नहीं है वहाँ पे। गांव की मैं बात करूं, सिटी में है और सिटी में भी ऐसे बनाऊ कहीं बन रहे, लेकिन वो रेयरली रैंडमली हो जाते हैं। पर मैं समझता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन कहीं पे भी ऐसी घटना हो जाएगी और जो आरोपी है जामीन लेके चले जाएंगे, उनको कुछ डर ही नहीं रहेगा, तो एटलीस्ट मिनिमम टाइम में उनको सजा दी जाए, ऐसा प्रावधान हमें करना चाहिए। आप हमसे जुड़े, हमारे चैनल के साथ आपने बातचीत की, इस वादर के बारे में आपने खुलासा किया है, बताया है कि आखिर घटना क्या हुई थी, उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी, आपका भी शुक्रिया कहना चाहूंगा कि ये वारदात को आगे ले जाने में आपने सहयोग दिया, आपका भी आभार। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। जी सर, आज हत्याનો આરોપી પકડાયો છે, શું છે સમગ્ર રીતે? બાકોર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કરંટા ગામે ગઈ તારીખ 17/18 રોજ ઉરસ હતો, એ દરમિયાન 18 તારીખે સાંજના જે નાના ખાનપુરની ચંદ્રિકાબેન વિનોદભાઈ નવો મેળામાંથી ગુમ થયેલી અને ત્યારબાદ એની લાશ કરંટા નદી ગામની પાછળ નદીમાંથી મળી આવેલી અને મળી આવતા અમે 302-201 મુજબ ગુનો દાખલ કરેલો અને તપાસ દરમિયાન જે મેળામાં તે દિવસે વાવાઝોડું વરસાદ આવેલો જેને કારણે ચટ્ટાઈ ઉડી જતા ચટ્ટાઈવાળાની ચટ્ટાઈ લઈને કેટલાક લોકો ભાગતા હતા તે વખતે જે મરણજા ચંદ્રિકાબેન પણ આ એ લોકોને જોઈને ભાગવા લાગેલા અને તે દરમિયાન જે આરોપી જીતેન્દ્રભાઈ જીતુભાઈ ભીમસેન ના હોય ચટ્ટાઈ બાબતે બોલાવી જતા એને ધક્કો વાગી જતા પડી ગયેલી અને પડી જતા બેભાન થઈ ગયેલા, જેથી એને બાજુમાંથી કોથળો લઈ અને એને નદીમાં નાખી દેવામાં આવેલ હતી એવો આરોપી કબૂલાત કરતા ગુનાને અટક કરવામાં આવેલો છે અને આ કામે તપાસ ચાલુ છે અને આ કામની તપાસ PLCBPI શ્રી ભરવાડ સાહેબ કરી રહ્યા છે। સાહેબ, આજે ગુનો બન્યો હતો અને આરોપીની અટકાયત કરવામાં આવી છે, PM રિપોર્ટની અંદર શું વિગત બહાર આવી?
પીએમ રિપોર્ટ જોતા એક્સટર્નલના કોઈ પ્રકાર કોઈપણ પ્રકારની બાહ્ય ભાગે ઈજા જણાયેલ નથી, માત્ર માથાના ભાગે સાધારણ હેડ ઇન્જરી હતી જેના એવું ડૉક્ટરનું કહેવું છે. અને ડૉક્ટરશ્રીએ જુદા જુદા સેમ્પલો તપાસ સાથે લીધેલા છે અને જે FSLમાં તપાસ માટે મોકલવામાં આવેલા છે, જે રિપોર્ટ હજુ આવવાનો બાકી છે.